나마스테. 나마스테. 네. 제가 목소리가 조금 문제가 있는데 좀 이해해 주시기 바랍니다. 메리 아와즈 जो है सर्दी के वजह से थोड़ी कम है, सो मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग इसको ज्यादा माइंड नहीं करेंगे. 네, 저는 로얄 마스터 문덕현입니다. और मैं रॉयल मास्टर मुंदोक्यन हूं. आप से मिलकर बहुत खुशी हुई. 네, 오늘 इंडिया एटॉमी가 오픈한 지 3주년이 되었습니다. और इंडिया एटॉमी ओपन हुए अभी 3 साल हो गए हैं. 진심으로 축하드립니다. और इसके लिए मैं आप सबको तहे दिल से बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूं. 근데 코로나 중에 에토미를 오픈해가지고 정말 사무실에서도 너무 힘들었을 거고 사업을 하시는 여러분들도 굉장히 어려움이 있었을 겁니다. 아사 करती हूं कि क्योंकि एटॉमी इंडिया का स्टार्ट जो है कोरोना के टाइम में हुआ था, सो इसके वजह से आप लोगों को काफी दिक्कत हुई होगी और आप लोगों को बिजनेस करने में भी काफी दिक्कत हुई. 그렇지만 여러분들이 지금까지 견디고 정말 인도 에토미를 키워오신 여러분들에게 정말 진심으로 응원의 박수를 보내드리고 싶습니다. और मैं इसी के साथ आप लोग ने इतने मतलब दिक्कत वाले समय में एटॉमी का साथ दिया और आज जो 3 साल हम लोग 3 साल का एनिवर्सरी मना रहे हैं, इसके लिए आप लोग को तहे दिल से एक बार धन्यवाद देना चाहती हूं. 저는 에토미를 캄보디아에서 만났습니다. मैं जो है एटॉमी को कंबोडिया में मिली थी. 누군가가 저에게 에토미를 이야기를 했을 때 저는 네트워크라는 이야기에 제품도 쓰지 않을 거니까 이야기하지 마세요 하고 이야기를 했습니다. और जब कंबोडिया में एटॉमी के बारे में पहली बार सुनी तो जैसे ही पता चला कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है तो मैंने कहा कि नहीं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज आप मुझे मत बताइए इसके बारे में. 한 번도 해본 적도 없었고 제가 할 일은 아니라는 생각을 가지고 있었거든요. और ऐसा इसलिए मैंने कहा था क्योंकि मुझे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग एक भी बार नहीं किया था और इसके बारे में मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था. 그런데 어느 날 에토미 화장품을 소개받게 되었습니다. और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि किसी दोस्त के थ्रू या किसी के थ्रू मुझे जो एटॉमी का जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है उसके बारे में जानकारी मिली. 근데 너무 좋다고 이야기를 듣고 썼는데 정말 너무 좋았습니다. और फिर जब मैंने उन प्रोडक्ट्स को यूज किया तो वो जितना सुना था उससे बहुत ही ज्यादा बेहतर मिला. 그래서 제품이 너무 좋아서 도대체 이게 왜 좋은지 알아보게 되었어요. और उस वक्त प्रोडक्ट इतना अच्छा था कि मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होने लगी कि ये प्रोडक्ट इतना अच्छा क्यों है, तो इसको बहुत बहुत ज्यादा यूज करने लगा और फिर इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुआ. 제품을 알아보면서 회사도 알아보고 회사를 알아보면서 와, 이 회사 너무 괜찮다는 생각을 하게 되었어요. 프로덕트 काफी अच्छे थे इसके, इसलिए मैंने कंपनी के बारे में भी कुछ जानकारियां अर्जित की और जैसे ही जानकारियां अर्जित की तो मुझे लगा कि ये कंपनी बहुत ही अच्छी है. 그러면서 저는 네트워크를 정말 제가 할 것이 아니라고 생각을 했는데 과연 이 일이 어떤 일인지 궁금해졌어요. और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इसके बाद मुझे एक इसके बारे में क्यूरियोसिटी होने लगी, जानना चाहता था कि कैसा कंपनी है. 그래서 सक्सेस 한국을 나와서 सक्सेस에는 여러분들하고 똑같이 이런 सक्सेस 세미나에 앉아서 듣게 되었습니다. और आप लोगों की तरह मैं बहुत ही ज्यादा सक्सेस सेमिनार में जाने लगी और वहां पे इस कंपनी के बारे में बहुत सारी चीजों को और अच्छे से जान पाई. 그리고 알면 알수록 와, 이건 정말 괜찮은 사업이라는 생각이 들었어요. और जितना मैं जानी और जितना मैं जानने का कोशिश की, मुझे जानकर इस कंपनी के बारे में बहुत ही अच्छी-अच्छी बातें और बहुत ही अच्छी चीजों का पता चला. 그리고 캄보디아는 정말 못 살면서 인구도 적잖아요. 그런데 캄보디아 사람들이 에토미로 정말 부자가 될 수 있겠다는 생각이 들었습니다. और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कंबोडिया बहुत ही गरीब देश है और वहां की जो पॉपुलेशन है वो काफी कम है, लेकिन एटॉमी अगर आप सही से करें तो कंबोडिया के भी लोग जो है अमीर बन सकते हैं, ऐसा मुझे विश्वास होने लगा. तो कंबोडिया सरंदर की एटॉमी रो जो वो तो 1000불 정도 받는 사람이 한 1000명만 만들어져서는 너무 좋겠다는 생각에
एटोमी를 정확하게 알아봐야 되겠다는 생각이 들었어요. और फिर इस तरह से मैं कंबोडिया के लोगों में से जो कि $1000 पर मंथ कमा सके सो इस तरह से लोगों को मैं इंट्रोड्यूस करने लगी और उनको बताने लगी. 그래서 저는 애토미를 하겠다고 결단을 하고 매달 저는 한국 석세스 세미나에 1년을 넘게 매달 나가서 들었어요. और इस तरह से मैं एटोमी को ज्वाइन करने के बाद हर मंथ कोरिया जाकर सक्सेस सेमिनार सुनने लगी. 근데 제가 애토미를 하겠다고 이야기를 하고 사람들한테 이야기를 했을 때 정말 많은 사람들이 저를 염려해 주고 말렸습니다. और जब मैंने अपने घर में बताया अपने दोस्तों को बताया कि मैं एटोमी करूंगी तो बहुत लोग जो है मुझे मना कर रहे थे और बोल रहे थे कि मत करो. 캄보디아는 되지 않는다고 이야기를 하더라고요. और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था कि कंबोडिया में जो है ये सक्सेस नहीं हो सकता है. 인구도 적고 그리고 국민 소득이 낮기 때문에 캄보디아는 안 된다고 그래서 하지 말라고 다 그러는 거예요. और कंबोडिया में क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है और वो उतना अमीर कंट्री नहीं है सो लोग जो है मेरे बगल वाले लोग मुझे मना करते थे. 근데 그렇게 이야기하시는 분들이 애토미를 정확하게 알고 저한테 이야기를 했을까요? सो क्या आपको लगता है कि जो लोग मुझे मना कर रहे थे वो एटोमी को जानते होंगे? 저는 한국을 나가서 제가 확인한 거잖아요. सो फिर मैं इस तरह से सेमिनार में जाने लगी और सेमिनार में और भी इस कंपनी के बारे में अच्छे से जानने लगी. 그래서 저는 제가 보고 듣고 느낀 제 결단을 저는 믿었습니다. और इस तरह से मैं अपना एक्सपीरियंस अपना मैं खुद से करके और उसको विश्वास करने लगी. 다른 사람들 말에 귀를 기울이지 않았고 이 일을 무조건 끝까지 한번 해봐야 되겠다는 결단을 했기 때문에 그만둘 수가 없었어요 저는. और मैंने डिसाइड किया कि मैं दूसरों की बातें नहीं सुनूंगी और अपना जो मैंने एक डिसीजन लिया है मैंने जो निर्णय लिया है उस पर आगे बढ़ूंगी और आज मैं इस जगह पे हूँ. 그래서 저는 캄보디아에 네. 캄보디아에 애토미가 시작이 된 겁니다. और इस तरह से मैंने एटोमी को कंबोडिया में स्टार्ट किया. 저는 이 애토미를 처음 시작할 때 정말 많은 사람이 성공할 수 있을 걸 저는 믿었어요. और जब मैंने एटोमी को स्टार्ट किया था मुझे विश्वास था कि बहुत सारे लोग इसमें जरूरी सक्सेस पाएंगे. 그리고 여기 계신 여러분들도 애토미로 부자가 될 수 있다는 것을 여러분들은 알고 계시고 또 확인하러 오신 분들일 거예요. और आप सबों में से भी बहुत लोग ऐसा विश्वास रखते होंगे कि आप एक दिन इस एटोमी के बिजनेस में सक्सेस होइएगा और बहुत ही अमीर आदमी बनिएगा. 오늘 여러분들이 한 번 듣고 여러분들이 다 이 비전을 다 볼 수는 없을 수 있습니다. So, 많은 사람들이 होंगे जो कि आज पहली बार आए होंगे और आज एक दिन का सेमिनार अटेंड करके मतलब मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा या मेरी जो सोच है वो बदल जाएगी ऐसा नहीं. 여러분들이 애토미를 만났고 이 만난 것만 해도 여러분들은 우리는 애토미를 만난 건 운명이라고 저는 이야기를 하거든요. और मैं हमेशा कहती हूँ कि आज जिनमें से बहुत से लोग जो पहली बार आए हैं वो एटोमी को जाने और एटोमी का मिलना भी एक भगवान का आपके लिए तोहफा हो सकता है. 여러분들이 지금 살고 있는 삶에서 더 업그레이드 시키고 여러분들이 더 잘 살고 싶다면 저는 이 애토미를 꼭 잡으라고 이야기를 드리고 싶습니다. और आप लोग अभी जो आपका एक लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड है उससे और अच्छी लाइफ अगर जीना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को तहे दिल से एटोमी रिकमेंड करूंगी. वैन्यामियन कंबोडियाएन 여기보다 훨씬 인구가 저 1600만밖에 안 돼요. और कंबोडिया में जो है वहां पे जो जो हमारा पॉपुलेशन है वो अराउंड 900,000 के करीब है. 근데 और, 국민 소득도 굉장히 낮습니다. और वहां के लाइफ वहां के लोगों का जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो भी काफी नीचे है. 근데 지금 캄보디아는 애토미가 잘 되고 있다고는 이야기를 합니다. और वहां पे अगर एटोमी सक्सेस कर सकता है तो हमारे देश का पॉपुलेशन आप लोग जानते हैं कि कितना है और हम लोग में कितना पोटेंशियल है. 그렇지만 인도는 어마어마한 인구가 있어요. और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश का पॉपुलेशन और हम लोग कितने यंग जनरेशन है तो हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है. कंबोडियाबोना 훨씬 더 커질 수 있는 가능성을 가지고 있잖아요. और मैं उम्मीद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि कंबोडिया से बहुत ही ज्यादा आप लोग आगे बढ़ सकते हैं. इंडो ग्लोबल 나가지 않고 인도만 가지고도 여러분들 모두 성공할 수 있어요.
अगर इंडिया से हम लोग अगर बाहर नहीं भी करते हैं सिर्फ इंडिया के अंदर ही अगर हम अपना बिजनेस करते हैं तो हम लोग जरूर सक्सेस हो सकते हैं 근데 전 세계에 나가 있는 인도 인구가 너무 많이 있는데 여러분들이 그 나가 다른 나라에 가 있는 인도 분들을 애터미를 알리기만 한다면 여러분들 모두 다 글로벌로 만들어져요. और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश के लोग दुनिया में हर जगह हैं अगर उन लोगों को भी एटोमी के बारे में पता चलेगा तो हमारा जो एटोमी है वो पूरे दुनिया में छा जाएगा उनका पूजा देवी जैसा मौका का हिस्सा है धोनी इतनी तकरार नंगी हिस्सा है बेटा सो हमें अमीर बनने के लिए या तो आपके अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ स्किल्स होनी चाहिए या आपके पास पैसे होने चाहिए 그런데 이 애터미로 여러분들이 돈을 들이지도 않은 거고 여러분들이 가게를 가지고 있는 것도 아니고 그리고 능력이 애터미에 대한 경험이 없어도 여러분들이 애터미를 성공할 수 있다면 이거를 무조건 알아보셔야지만 여러분들 걸로 잡을 수가 있어요 So एटोमी में आपको ना तो पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है ना तो आपको दुकान की ज़रूरत है बस आपको एक लगन की ज़रूरत है अगर वो आप लगन पाते हैं तो आप लोग जरूर सक्सेस कर पाएंगे 왜냐하면 애터미를 정확하게 이해가 되지 않으면 여러분들이 이 일을 1년, 2년 해도 떠나게 돼요. और एटोमी के बिजनेस को अगर आप अच्छे से नहीं जानते हैं, तो एक साल, दो साल के बाद इसको आप छोड़ देते हैं। 그래서 여러분들이 계속해서 애터미를 듣고 알아보고 그리고 그 알아본 거를 누군가한테 알리는 일이기 때문에 여러분들이 그것만 계속해서 한다면 정말 빨리 성공할 수 있을 거라고 생각합니다. और मैं अपने एक्सपीरियंस से कहना चाहूँगी कि आप सबों को मतलब इस तरह के सेमिनार में लगातार आना है फिर अपने जो अगल बगल के लोग हैं या जो आपके नए जो बने हैं दोस्त उनको बताना है और इस तरह से आप अगर करते हैं तो आप एक दिन जरूर सक्सेस बनिएगा मानन सरमदरी कंबोडिया एटोमीनन अन देंदाओ इयागेसल ते चोनन कंबोडिया नारामान गाजिगो बत्तामेन आमा इल हाजी अनासल गोयो और जब बहुत सारे लोग मुझे कंबोडिया में एटोमी नहीं चलेगा इस तरह का बोलते थे और अगर मैं सिर्फ कंबोडिया को ही अपने नज़र में देखती तो शायद मैं एटोमी सब नहीं करती ग्लोबल वर्ल्ड मार्केटिंग है और एटोमी जैसा कि आप जानते हैं ग्लोबल मार्केटिंग सिस्टम है कंबोडिया ने उन्हीं जो आसे खेजाई पाई ओपन ही देश में और कंबोडिया में जो है लकीली हम लोग बहुत जल्दी ही इसको ओपन कर पाए किंतु करके पाई ये लेकिन मुने केसुएसो ग्लोबल को योग्य भी और उसके बाद जो है हम लोग ग्लोबल जो है बहुत सारे देशों में अपना इसको बढ़ाते गए 그래서 능력이 없어도 성공할 수 있다는 것을 캄보디아가 아마 보여주는 것 같아요 और कंबोडिया का जो केस है उसको देखकर यही लगता है कि अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं भी है और आप अगर लगातार किसी चीज को करते हैं तो आप सक्सेस हो सकते हैं कंबोडियाएसो ओपन आज जिसका 8년 정도 되었어요 और कंबोडिया में इसको स्टार्ट किए हुए 8 साल करीब हो गया जरूरतरी यहीं에서 8년이 지나고 나면 어떤 현상이 일어날지 정말 상상이 되지 않아요 और मैं उम्मीद करती हूँ कि 8 साल अगर इंडिया में जैसे कि हम लोग 3 साल मना रहे हैं और 8 साल अगर मनाएंगे तो उस वक्त ये एटोमी का बिजनेस कितना आगे बढ़ेगा वो आप लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबों में बहुत सारे लोग इम्पीरियल मास्टर बन जाएंगे एटोमीरो 여러분들이 애터미를 만난 건 아마 여러분들의 삶의 변화가 시작될 수 있다고 저는 생각을 합니다. 저는 생각해요, 여러분 중에 애터미를 애터미 절대 포기하지 마시고 끝까지 인생을 가지 갈 때까지 함께 갔으면 좋겠습니다. और मैं उम्मीद करती हूँ इसी के साथ कि एटोमी को आप लोग बीच मझधार में मत छोड़िए और लास्ट तक जाइए एटोमी इंडिया फाइटिंग एटोमी इंडिया फाइटिंग थैंक यू